मुखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम योर ऑन एयर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम सखावत है और मैं मक्का मुकर्रमा से बात कर रहा हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की जितनी भी नियमत दुनिया आखिरत की है, अल्लाह ताला सारी हमारे हजरों को नसीब फरमाए और उनका साया देर तक हमारे सरों पर कायम रखे। हजरत जी, आपने एक कर्ज को उतारने के लिए या बदियों वाला अमल दिया था, वो तो मुकम्मल हो गया है, और दूसरा रिज़्क की तंगी को दूर करने के लिए सूरह जुम्मा की तलावत करने का विर्द दिया था, वो मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि सुबह काम पे निकलते हैं, फिर वो मसरूफियत में सारा दिन गुजर जाता है लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आगे बता दीजिए क्या करना। बस चलिए, शुक्रिया बहुत। माशा सखावत साहब, आपकी कॉल आती है तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है कि आप मक्का मुकर्रमा का नाम लेते हैं, बस हमारे जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ईमानी हलावत महसूस करने लगते हैं कि आप तो अल्लाह के जो है घर के पास रहते, अल्लाह के पड़ोसी हैं और वहाँ से आपकी आवाज़ आ रही होती, क्योंकि वहाँ की फ़िज़ाएँ हवाएँ वो आपकी इस आवाज़ के अंदर शामिल होकर हम गुनाहगारों तक अमरीका में पहुँचती हैं। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला मक्का में रहना आपको जो है मुबारक फरमाए और मक्का के अंदर खूब आपको आसानियाँ हों, ज़ाहिर बातनी दौलतें से मालामाल हो, मदीना के भी दीदार नसीब हो, मदीना की बरकतें और जो मदीने वाले की जो है अनवारात भी आपको मिलें, तो बहुत मसरत होती है। और बाकी आपने जो सवाल किया है और कुछ मुख्तलिफ औराद आपने किए हैं लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसा नतीजा ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो आज जो नाम मैंने बताया है इसमें रहीमी नंबर 20 हज़रत हस्साम अलैहिस्सलाम की तो मंसूब ज़बरदस्त है और कर्ज़ के लिए तो बहुत ही आला है, कर्ज़ के हवाले से तो ज़बरदस्त तासीर है। आप बिल्कुल ये शुरू कर दें, कर्ज़ की नीयत भी कर लें और अपनी जो भी माली खुशहाली कारोबार की नीयत भी कर लें, तो बस ये आप 360 दफ़ा रोज़ाना का विर्द कर लें, बहुत कोई भी मुतय्यन कर लें, चाश्त का वक्त रखें तो बेस्ट है, यानी 10-11 बजे का वक्त जो है चाश्त का वक्त रख लें और यह 360 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर जो है वो एक ही मर्द सूरह फातिह पढ़ना है और हर 100 के अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है, लिहाजा मैंने तरतीब बता दी, सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, ये दुरूद इब्राहिमी, फिर इसका विर्द करना है, फिर एक सैकड़ा पूरा हो जाए, 100 पूरा हो जाए, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद फिर विर्द शुरू कर देना है। तो इस तरीके से आपने जो है ये अमल करना है, ज़बरदस्त तासीर है, आप जो जल्दी तमाशा देखेंगे आपको बहुत ज़बरदस्त खुशहालियाँ अल्लाह नसीब फरमाएंगे, क्योंकि ये जो है तजर्बा करने वाले तजर्बा किया है, बाकी उन्होंने खुले मुनाफे देखे हैं, तो मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।